अक्षरा ना होना तो एक काम ठीक से नहीं होता, पर अब उसे कहेंगे ना तो ऐसे ही आ जाएगी भागी भागी, जरा भी आराम नहीं करेगी। वो भी कितनी थकी हुई है। अच्छा, और आप नहीं थकी हुई है दीदी? भगवान, ये लड़की ना जरा भी आराम नहीं करेगी, जहाँ काम देखा बस आगे। आप भी समझाइए ना राशनी बहन। हाँ बेटा, दिव्यानी बहन बिल्कुल सही कह रही है, आराम कर ले थोड़ा, ऐसी हालत में लापरवाही ठीक नहीं है। माँ, थोड़ा सा तो काम बचा है, फटाफट सब लोग निपटा देते हैं ना, उसके बाद तैयार होने जाएंगे। मॉम देखिए ना, मैं पीला तो नहीं लग रहा? बिल्कुल भी नहीं। कौन मॉम, आप रो क्यों रही हैं? मैं लड़का हूं लड़की नहीं जो विदा होकर चली जाएगी। चुप कर, माँ का दिल भर नहीं आएगा ऐसे पल में। बेटे की शादी जो है, बेटे का हो या बेटी का, माँ का दिल तो भर ही आता है। खुशी का भी और एक अजीब से दुख का भी। खुशी इस बात की कि एक नया रिश्ता जोड़ने जा रहा है, और दुख इस बात का कि आज तक जिस पर सिर्फ आपका अधिकार था, अब वो किसी और का होने जा रहा है। ओह गॉड नो, आप सब लोग नमन, क्या हुआ? ऑल वेल? तो फिर इमोशनल बाद में हो जाएगा, क्योंकि मुहूर्त का टाइम हो रहा है। अरे करिश्मा पुत्र, कहाँ खोई हो बेटा? नमन के सपनों में, और कहाँ। मोहित भी ना, पता नहीं कहाँ है, कब से उन्हें फोन कर रही हूँ। क्या हुआ दीदी? पता नहीं मोहित कहाँ चले गए, कब से ढूंढ रही हूँ। दीदी मैं भी कब से शौर्य को ढूंढ रही हूँ। आपने फोन ट्राई किया? कई बार फोन कर चुकी हूँ, पर फोन लग ही नहीं रहा। ये दोनों भी ना, यहाँ शादी है और दोनों ही गायब। एक काम करते हैं वर्षा, बाहर चल के एक बार देख लेते हैं। हाँ, चले। चलो चलो। पापा, इसको भी आप ही तैयार करोगे? हाँ। मामा जी, मेरे पापा किधर है? पता होता ना तो पकड़ के पिटाई कर देता, मुझे यहाँ छोड़कर खुद भाग गया मस्ती करने। आओ। पापा, मुझे हाथ पे बहुत खुजली हो रही है। और खेलो रेत में, मना किया था ना आपको। मैं से हटा दूं? नहीं नक्श, डॉक्टर ने कहा है ना, जब तक हाथ ठीक नहीं हो जाता आप ऐसा नहीं कर सकते, उसे ऐसे ही रखना होगा। लेकिन पापा बहुत खुजली हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। यश ये बटन बंद करो। अभी मैंने सब जगह देख लिया, कुछ पता नहीं है उन लोगों का। ऊपर से फोन भी आउट ऑफ नेटवर्क दिखा रहा है। पता नहीं कहाँ चले गए ये लोग। आने दो, अच्छे से खबर लूंगी इनकी। किसकी खबर लेने की बात कर रही हो वर्षा? आप लोग आ गए, कहाँ गए थे, कब से हम आपको ढूंढ रहे थे। अरे कहीं नहीं, यहीं तो थे, स्कूटर लेके बाहर घूमने निकले थे, पर रास्ते में ही खराब हो गया। फिर हमें रास्ते में इतना गुस्सा आया कि हम रास्ता ही भूल गए। और ये भी भूल गए कि हम यहाँ शादी में आए। चलिए अब जल्दी से तैयार हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम आपको ही भूल जाएं। जी। जस्मीत एक सेफ्टी पिन देना प्लीज। एक मिनट भाभी, अभी तो यही रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। जस्मीत, तुम्हारे मुंह में है सेफ्टी पिन्स। जिसमें देखो मेरी वेस्ट बेल्ट कैसी लग रही है। हे रब्बा भाभी, ये तो मेरा वेस्ट बेल्ट है। वो अब दोबारा लगाना पड़ेगा। कोई नहीं भाभी, आप वही पहन लेना। अरे, अरे संभाल के, ये सारा कंफ्यूजन ना टीम की वजह से हो रहा है। जस्मीन, वो जो तुम दूसरा वाला लाई थी ना, वो पहन लो। हाँ हाँ हाँ, ये है ना, ये रहा। हाँ, ये वाला पहन लो। चलो दीदी, अब तक तैयार नहीं हुई, तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हूँ,
बस थोड़ी सी वीकनेस हो गई है। अरे आराम कीजिए दीदी, चलिए ऊपर आइए। हाँ दीदी प्लीज आप आराम कर लीजिए, चलिए। अरे वाह, हो गए सब तैयार। ये कपड़े बहुत अच्छे हैं पर सबके रंग थोड़े हल्के हैं, नहीं? हाँ भाभी माँ आप सच कह रही हैं, शादी का मतलब ही होता है गाढ़े चमकीले रंग पहनना। कोई बात नहीं, कभी कभी नई चीजें भी करते रहना चाहिए। बहू कितनी सुंदर लग रही हो, किसी की नजर ना लगे तुम्हें बेटा। बिल्कुल नहीं लगेगी भाभी माँ, आपका आशीर्वाद जो मेरे साथ है। अच्छा आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? नमन का इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ चला गया ये लड़का। अपने कमरे में होगा छोटी माँ। नहीं है अक्षरा, मैं वहीं से तो आ रही हूँ ना। फिर कहाँ जा सकता है? ये एक गुंडा उसे पहनाना था, एक बार उसे पहना दो, उसके बाद करिश्मा के पास भी जाना है ना। हाँ अक्षरा सब लोग रेडी है ना आप लोग? चलो बारात निकालते हैं। अच्छा बेटा, दूल्हे के बगैर बारात कैसे निकलेगी? पता नहीं ये नमन कहाँ चला गया है। हे भगवान, क्या हो गया इन सब आदमियों को? कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। चल अक्षरा ढूंढते हैं। हाँ आप लीजिए भाभी। वहाँ देखते हैं, चलिए। अपनी शादी में इतनी लापरवाही। मम्मा पापा देखो, ये देखो जिसके सारे जग में ढूंढ मची पड़ी है, वो कुंभकर्ण यहाँ सोया पड़ा है। हम सबकी नींद उड़ाकर तुम यहाँ आराम से सो रहे हो। सॉरी सॉरी, अब चलो जल्दी से, चलो 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 चलो। मेकअप कर देती हूँ, थोड़ा फाउंडेशन एंड ऑल, थोड़ा और निखार आ जाएगा। नो थैंक्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बोलो बेटा, मैं फंस चुका एक बार। अरे भाई थोड़ा तो यू नो। बेटा ये कपड़े पहनोगी? हाँ आप सबने भी तो ऐसे ही पहने। ये पर हमने तुम्हारे लिए लाल रंग का जोड़ा भिजवाया था, और वो भी तुमसे पूछ के। आई नो, पर फिर मुझे लगा मैं सबसे अलग लगूंगी, इसलिए मैंने ये पहन लिया। और थीम के हिसाब से भी तो यही अच्छा लग रहा है। बात करती हो तुम, कभी तुम्हें सबसे अलग कपड़े चाहिए तो कभी सबके जैसे। उस दिन बोल रही थी सबसे अलग ड्रेस होना चाहिए, और आज जबकि अलग होना चाहिए तब तुमने ये पहन लिया है। नहीं मॉम, मुझे वो रेड लहंगा नहीं पहनना है। हाँ
मुझे लगता है छोटी माँ, हमें करिश्मा की बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब थीम के हिसाब से उसने जो पहना है वही ठीक है, और सबसे बड़ी बात छोटी माँ कि वो अच्छी लग रही है। हाँ अक्षरा, पर तुम जानती हो ना हमारे यहाँ दुल्हन ऐसे रंग के कपड़े नहीं पहनती। हाँ, और शगुन का कोई तो रंग पहनना चाहिए था ना। तो एक काम करते हैं ना, इस लहंगे के ऊपर करिश्मा को एक लाल चूड़ी उड़ा दे। नो वेज, मैं अपनी ड्रेस के साथ कुछ भी ऐसा नहीं पहनूंगी जो मैच ना करे, प्लीज। पर करिश्मा, रस्म के हिसाब से तो तुमको लाल रंग पहनना पड़ेगा ना। भाभी ऐसा है तो आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैं उस हिसाब से थीम रखती। लाल चुन्नी इस ड्रेस पे कितनी फनी लगेगी, फोटोज में भी मैं कितनी खराब लगूंगी। सबके आगे मुझे मजाक नहीं बनना है पूरी लाइफ के लिए, प्लीज। ठीक है, तुम्हें जो करना है वो कर, लेकिन अगर ये मैचिंग की बहस खत्म हो गई हो तो हम रस्म शुरू करें। हाँ जी मैं जी, क्यों नहीं। करिश्मा आप बैठने बेटा यहाँ पर। छोटी माँ, अब रस्म कर ही रहे हैं तो पूरे मन से करनी चाहिए ना, ऐसे मन खराब करके क्या फायदा। चलिए रस्म शुरू करते हैं जैसे हमारे गांव में होती है। कन्नो जब घर आएगी सास हुकुम चलाएगी, हर बात मनवाऊंगी उससे, खूब सेवा करवाऊंगी उससे। बन्नो जब घर आएगी जेठानी नाक चढ़ाएगी, देवरानी से सब काम करवाएगी, खुद आराम से सो जाएगी। बन्नो जब घर आएगी हम सबके नाज उठाएगी, सुन्नी होगी तुझे सबकी, बहू का फर्ज निभाएगी। लो अक्षरा पहना दो। चलो अब जल्दी से बाहर चलते हैं, बाहर सब बाराती इंतजार कर रहे होंगे। सब पहनना जरूरी है क्या? देखो मुझे ऐसा लग रहा हूँ जैसे कोई कार्टून हूँ, ऊपर से दो रातों से सोया नहीं हूँ, और कभी ये रस्म कभी वो रस्म। ये शेरवानी इतनी भारी है, लग रहा है कपड़ों की थान के बीच में फंस गया हूँ। अब तो मुझे ऐसे क्यों दिख रहा है? कुछ नहीं, तुम्हें देखकर ना अपनी शादी याद आ गई, पूरा का पूरा फ्लैशबैक आंख पे आ गया। और आप सबको देखकर ना मुझे मेरा फ्यूचर मेरी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। नमन, तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं। हाँ, पहले पहले तो सभी डरते हैं ना। Come on, नमन, you can do it. Yes, you can do it. Yeah. हाँ, नमन, you can do it. Confident रहे। I can do it. Yeah. ये क्या आइडिया दे रहे हैं आप लोग दूल्हे राजा को? कुछ नहीं, बस शादी है तो थोड़े टिप्स तो बनते ही है। दे भी कौन रहा है जिसकी खुद की बोलती अपनी शादी में बंद थी। अब चलिए चलिए, मजाक बहुत हो गया, बारात का टाइम हो रहा है। हाँ। अरे चलिए चलिए, मैं बच्चों को देखकर आती हूँ। यार यश, प्लास्टर में कितनी खुजली हो रही है, मैं डांस कैसे करूंगा? अब बारात में सब लोग बड़े मजे करेंगे और मैं इस खुजली के साथ रहूंगा। हाँ, पर अब कर भी तो क्या सकते हैं। हाँ, इसे निकाल देते हैं। नहीं नहीं, तू भूल गया, डॉक्टर ने मना किया है। मुझे पता है, लेकिन अब तो इसमें मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, तो फिर लगाने से क्या फायदा। मैं अभी इसे निकाल रहा हूँ, मैं खुजा खुजा के थक गया हूँ। चल ठीक है, मैं तेरी हेल्प करता हूँ, तू इधर बैठ, मैं आता हूँ। चलो
कान से काट यश। तुगु यश कितना समझाया था आप लोगों को कि कोई भी गलत काम मत करना, पर फिर भी। और दुगु आपने इतना भी नहीं सोचा कि आपको तकलीफ होती है तो मम्मा को भी कितना दर्द होता है। सॉरी मम्मा। देखो बेटा मेरी बात सुनो, प्रॉमिस करो कि आप दोनों कोई शैतानी नहीं करोगे, ठीक है? आपको याद है ना लास्ट टाइम जब आपने खेल खेल में इंजेक्शन लगवा लिया था खुद ही, कितना खून निकला था आपका, याद है ना? इसलिए जो जिसका काम होता है उसे ही करने देना चाहिए। ओके ओके चलो 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 बाहर बारात आ गई। अरे वाह। अरे हाँ चलिए, तुम तीनों यहाँ पर करिश्मा के पास रुको। हाँ पर क्यों, हमें भी बारात देखनी, हम भी जाएंगे। हाँ हम भी जाएंगे। हाँ हाँ हम भी जाएंगे साथ में। मॉम प्लीज जाने दो ना इन्हें। नहीं करिश्मा, दुल्हन को यूं अकेला नहीं छोड़ा करते। चलो हम सब बाहर चलते हैं। चलो अब जल्दी चलो। चीजों से पूरे नेक 10,000 रुपए लेने। और हाँ हाँ भारत के स्वागत का नेक भी तो लेना है। अब तुम्हें इन सब चीजों की आदत डाल लेनी चाहिए। जॉइंट फैमिली में जा रही हो तुम, वहाँ तो तुम्हें सब कुछ शेयर करना पड़ेगा। वहाँ तो तुम्हारे कोई नखरे भी बर्दाश्त करने वाला नहीं होगा। तन्नो जब घर आएगी सास हुकुम चलाएगी, हर बात मनवाऊंगी उससे, खूब सेवा करवाऊंगी उससे। जितने नखरे दिखाने हैं दिखा लो, आफ्टर ऑल शादी के बाद तो मेरा ही ऑर्डर चलेगा ना, तब देखता हूँ कैसे मना करोगी। हमें बारात देखने जाना था, हमें यहाँ फंसा दिया। तुम्हें जाना है तो जाओ ना प्लीज, मैं यहाँ अकेले ठीक हूँ। नो 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 नो, चाची और मामी दोनों डांटेंगे। कोई कुछ नहीं कहेगा, जाओ ना, इसमें डरना कैसा है। इतने कम समय में भी बहुत बढ़िया इंतजाम किया इन लोगों ने। दोस्त आजकल के बच्चे बहुत तेज होते हैं, हम लोग तो सिर्फ सोचते रहते हैं, उतने समय में ही काम कर जाते हैं। वो कहते हैं ना फास्ट जनरेशन। हाँ जी हाँ बिल्कुल। माय गॉड, बीच किनारे शादी, रुपा मजा ही आ जाना है। नहीं हाँ? मैं तो पहली बार ऐसी शादी अटेंड कर रही हूँ। हाँ? हाँ? ये रास्ता क्यों रोक दिया, हमें अंदर तो जाने दो। चीचू बड़ी जल्दी आपको अंदर जाने की, पर हम इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। क्यों? आपको पता नहीं है, आपको अंदर जाने से पहले हमें नेक देना होगा। नेक? मैं कुछ नहीं देने वाला। अच्छा तो भी ठीक है, आप पूरा दिन यही खड़े रहिए, खुले आसमान के नीचे, समुन्दर के किनारे। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।